आप सभी को ये पता है कि पवन की दो शादियां हुई हैं। जी हाँ, लेकिन आप सभी को ये पता नहीं है कि पवन की दो शादियां नहीं बल्कि तीन शादियां हुई हैं। और आप सभी को बस यही पता है कि पवन की पहली पत्नी नीलम है और दूसरी पत्नी ज्योति है। लेकिन हम आप सभी को ये बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, पवन की पहली पत्नी नीलम नहीं बल्कि कोई और है। और हम आप सभी को पवन की पहली पत्नी से मिलाएं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सब इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप सब ये जान लीजिए कि पवन की पहली पत्नी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि पवन की पहली शादी बहुत ही कम दिनों के लिए चली थी। जी हाँ, पवन की शादी मात्र 3 महीने चली ही थी, जिसके बाद दोनों का तलाक हो गया। और ये रही पवन की पहली पत्नी रीना रानी। अब रीना और पवन की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, आइए आप सभी को ये बता देते हैं। दरअसल पवन और रीना की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और वहीं दोनों की बातचीत शुरू हुई। इसके बाद पवन और रीना ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें रीना ने उनके भाभी का रोल निभाया। सेट पर भी दोनों की खूब जमती थी, लेकिन इनका रिश्ता पवन के घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि रीना पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ थी। लेकिन प्यार तो प्यार होता है। पवन ने यह तय कर लिया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ रीना से। पवन ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर रीना से कोर्ट मैरिज कर लिया। शादी करने के बाद इनका रिश्ता लंबा नहीं चला। जी हाँ, इनके प्यार को नजर लग गई या प्यार से मन भर गया, ये तो वही जाने। इनकी शादी मात्र 3 महीने चली और इनका तलाक हो गया। इतने कम दिनों का इनका साथ था कि किसी को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। वेल, रीना इस वक्त भी टीवी शो में काम करती हैं और भोजपुरी फिल्मों में कभी कभार नजर आ जाती हैं। रीना इस वक्त काफी मॉडर्न हो चुकी हैं और इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। वेल, कैसी लगी पवन की पहली पत्नी? क्या ये ज्योति से भी ज्यादा खूबसूरत हैं? बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।